देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी जेरी की तरह बना है। आज मैं ना आपको गर्मियों के लिए एकदम खास ठंडी ठंडी लाजवाब जेली मिठाई की रेसिपी बताने वाली हूँ, वो भी बिना जेली पाउडर के, बिना जेलेटिन के, बिना अगर अगर के। और हाँ, इसमें ना तो मैदा पड़ने वाला है और ना ही कॉर्नफ्लावर। बाजार में मिल रही महंगी मिठाई से तो बेहतर है कि घर पे ही ना सस्ते में आप ये तरबूज से बनाए एकदम टेस्टी पुडिंग मिठाई, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इतनी लाजवाब बनती है कि इसके बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी दीवाने हो जाएंगे और हमेशा आपको यही मिठाई बनाने की मांग करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जब भी हम मार्केट से तरबूज खरीदते हैं ना, तो कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको जो ये तरबूज है एकदम पानी वाला लाल मीठा आपको मिले। तो जब भी तरबूज ले तो वो इस तरह का ना डार्क ग्रीन कलर का होना चाहिए। अगर इस पे ज्यादा शाइन हो या ये जरूर से ज्यादा चमक रहा है ना, तो समझ जाइएगा ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग, तो इसके ऊपर इस तरह का जो पीला मार्क है ना, ये होना चाहिए। इसे ना फील्ड मार्क कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये झाड़ पे ही पका हुआ है। अगर पकने से पहले इसे तोड़ा होगा ना, तो आपको ये मार्क नजर नहीं आएगा। जब भी आप तरबूज ले तो हल्का ना उसे इस तरह से थपथपाए। अगर ये भरा हुआ तरबूज है तो आपको इसके साउंड से ही पता चल जाएगा। और अगर ये अंदर से कच्चा है या फिर थोड़ा सा सूखा हुआ है ना, तो इसके अंदर से एकदम ड्रम वाला जैसा साउंड नहीं आएगा। अगर ये हेवी भी लग रहा है और ये वजनदार लग रहा है, यानी ये पानी से अच्छा भरा हुआ है, यानी ये अच्छा पका हुआ भी है, ये भी एक इसकी निशानी होती है। इसका जो डंटल होता है ना, वो भी ब्राउन होना चाहिए, ना कि हरा होना चाहिए। तो जब भी आप तरबूज खरीदे तो इन 5 बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आपको एकदम अच्छा मीठा पका हुआ और पानी से भरा हुआ तरबूज मिलेगा। वाव, कितना मस्त है, देखिए एकदम लाल और पका हुआ ये तरबूज है। इसके मैं और भी पीसेस कट करके आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल भी ये कच्चा या फिर खराब नहीं है। इसके ना जितने हो सके उतने जो बीज है हम इसके निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर हम ये जो सफेद वाला हिस्सा है ये हमें नहीं चाहिए, तो बस हमें लाल वाला हिस्सा चाहिए, तो इसे कट करके लेंगे और इसके रफली इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे। अगर एक हद दो बीज इसमें रह भी गए या नजर आ रहे ना, तो वो भी हम इस तरह से निकालते जाएंगे साथ ही साथ में। चलिए अब खाकर भी चेक कर लेते हैं कि ये मीठा है या नहीं है। वाह, एकदम शक्कर की तरह मीठा है और कलर से तो आपको पता ही चल रहा होगा कितना लाल है एकदम। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आधा ही तरबूज कट करके लिया है। अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। देखिए कितना जूसी है, कितना पानी से भरा हुआ था ये। अब इसे हमें छान कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर जो भी बीज है या थोड़े बहुत जो बड़े बड़े चंक्स रह गए होंगे वो हमें नहीं चाहिए, तो उसे अलग कर लेंगे और हमें ना एकदम क्लीन क्लियर जूस मिलेगा। बीज को हटा देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। इवन आप ना इस तरह से बनाकर अपने बच्चों को भी जूस निकाल के दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, तो इस जूस को हमें इस मेजरमेंट कप से माप कर लेना है। हमें यहाँ पे 2 कप जूस लेना है। आप यहाँ पे कोई भी बाउल, ग्लास, कटोरी, कप सेट कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये पूरा 2 कप जूस यहाँ पे हमें मिला है। अब 2 कप जूस के लिए मैं इसमें ना सिर्फ 1/2 कप चीनी यानी कि शुगर डाल रही हूँ। चीनी यहाँ कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करती है कि आपने जो तरबूज लिया है वो कितना मीठा है। तो आप मेरी तरह पहले उसे टेस्ट करके ले, तो आपको पता चली जाएगा कि कितनी यहाँ पे चीनी आपको लगेगी। अच्छे से मिला दिया इसे मैंने। कलर तो देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को ना गैस पर चढ़ा दिया है और गैस को मैंने ऑन कर लिया है। इसे मिला देंगे। अब इसे हमें उबाल कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और ये हल्का गाढ़ा भी हो जाए। आंच को जो है मीडियम पे ही हमें रखना है और बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते भी रहना है। अब आप देख सकते हैं इसमें ना अच्छा सा उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छे से पूरी तरह से घुल चुकी है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और हल्का सा टैंगीनेस के लिए ना मैं इसमें 1 पाव छोटा चम्मच के करीब नींबू का रस भी डाल रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से मिला देंगे और एक उबाल आने देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम लेंगे 1/2 कप चावल का आटा। तो 1/2 कप चावल के आटे के लिए हमें सिर्फ 1/2 कप पानी ही लेना है। इसे अच्छे से मिला देंगे और इसका ना एक घोल रेडी कर लेंगे। मेक श्योर इसमें कोई गुठलियां ना रहे। तो ये भी रेडी है। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा
तब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे ना आज को हमें धीमा करना है। और ये जो चावल का आटे का जो हमने घोल बना के रेडी रखा है ना, इसे एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि चावल का जो आटा है वो अक्सर तले में बैठ जाता है। अब इसे हमें एक साथ ही पूरा का पूरा इसमें डाल देना है। अब ना इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे हमें लगातार चलाते हुए मिलाते रहना है, जब तक कि ये एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर का ना बने। अगर इसे आपने बीच में छोड़ दिया ना, तो इसमें गाठी पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और ये तले में भी चिपकने लगेगा। तो इसलिए ये सब ना हो और हमारी रेसिपी खराब ना हो, इसलिए इसे हमें एक 5 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए मिलाते रहना है, जब तक ये हल्का गाढ़ा ना हो जाए। इसे अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें हमने ना चावल का आटा डाला है और वो कच्चा चावल का आटा था, तो उसे अच्छे से पका कर लेना बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। ये तो ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, शाइनी भी हो गया, क्रीमी और एकदम स्मूथ भी बना है। ये देखिए इस तरह से टूट टूट के गिर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। इससे ज्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है और इससे ज्यादा हमें इसे पकाना भी नहीं, क्योंकि चावल का आटा भी अच्छे से कुक हो गया है और जो जूस हमने लिया था वो भी अच्छे से पक चुका है। तो गैस को कर देंगे ऑफ और ये जो कढ़ाई ना इसे हम आग से उतार लेंगे और इस तरह से चम्मच से इसे ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाते हुए ठंडा करके लेना, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि अभी ये काफी गर्म है। तो यहाँ पे मैंने कांच के इस तरह के ग्लासेस लिए हैं छोटे वाले, इन्हें हमें ना हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर लेना है, जिससे कि डीमोल्ड होना आसान हो जाए। अगर आपने नहीं भी लगाया तो भी कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आप तेल का इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पे कोई भी बाउल ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, या फिर जो पेपर कप होता है ना वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब जो ये हमारा बैटर है, जो मिक्सचर है, बिल्कुल बनके रेडी है और ये हल्का ठंडा भी हो चुका है। तो अब ना इन्हें हम ग्लास में भर लेंगे। ग्लास को यहाँ पे पूरी तरह से नहीं भरना है ऊपर तक, इसमें थोड़ा सा स्पेस हमें रखना है, थोड़ी सी जगह हमें इसमें छोड़नी है। अब इन ग्लास को हम टैप कर लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स है ना वो सारे के सारे निकल जाए। अब ये काफी गर्म है जैसे कि मैंने कहा, तो इन्हें ना हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है इतना कि हम इसे आसानी से छू सकते हैं। हाँ, पर अभी ये सेट नहीं हुआ, अभी भी ये थोड़ा गीला है। तो इन ग्लास को हम क्या करेंगे ना, फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छे से जम भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये ना अच्छे से अब सेट भी हो गया है। देखिए हाथों में ये चिपक भी नहीं रहा है। तो चलिए इसे अब डीमोल्ड कर लेते हैं। इसे निकालना ना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको अलग से छुरी या चम्मच की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना ये है कि इसे ना इस तरह से हल्का हल्का घुमाते जाना है। इस तरह से घुमाने से क्या होगा, इसके अंदर ना हवा भर जाएगी और ये अपने आप ही ग्लास को छोड़ने लगेगा। इस ग्लास को हम उल्टा कर लेते हैं। वाओ, जबरदस्त, देखिए कितना परफेक्टली, ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, बिल्कुल जेली की तरह, बिना टूटे कटे छटे ये निकल के आ गया है, वो भी पूरा का पूरा। आप चाहो ना तो जितना आपको खाना है उतना ही आप डिमोल्ड करें और बाकी के जो ग्लासेस है आप उन्हें फ्रिज में ही रहने दें। अब मैं इसके पीसेस भी कट करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक ये परफेक्टली पक चुका है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। नॉर्मली इस तरह की जब मिठाई बनाते या इस तरह का जब भी हम जेली बनाते ना, तो थोड़ा गीला गीला रहता है, कभी कभी पानी छूट जाता है, बट ये एकदम परफेक्टली जमा हुआ है और एकदम सॉफ्ट है, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं क्या करूंगी ना, इसे डेसिकेटेड कोकोनट में थोड़ा कोट करके ले लूंगी। इससे एक तो इसका लुक भी बढ़ जाएगा और खाने में इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, तो दोनों बातें हो जाती है। मुझे तो ये कोकोनट के साथ बहुत ही ज्यादा पसंद है खाने में। आप इस तरह भी इसे बना कर ना फ्रिज में रख सकते हैं, ये हफ्ते भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो बाहर से महंगी मिठाई लाने से तो बेहतर है कि आप घर पे ही ना एकदम सस्ते में ये ताजी मिठाई बनाएं। सिर्फ आधे तरबूज से आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी मिठाई बनके रेडी है और ये इसी तरह का सॉफ्ट जेली टेक्सचर का ही बना रहेगा। तो बिल्कुल भी कड़क नहीं होगा, ना ही ये सौगी होगा, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा और टेस्ट में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तरबूज का जूस या फिर ऐसे ही उसे काट कर हमेशा हम सब खाते ही हैं, पर एक बार ना आप मेरी तरह इस मिठाई को जरूर बनाएं, खाएं और फिर आके मुझे बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।